नमस्कार मातृशक्ति, प्रेगनेंसी एंड केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेगनेंसी का नौ महीना बहुत भावात्मक अनुभव लेकर आता है। आपका सपना पूरा होने के करीब है। आपका शिशु आपकी गोद में आने की तैयारी कर रहा होता है। प्रेगनेंसी के इस माह में ज्यादा सतर्क और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। इस माह में कुछ महिलाएं तो अपने नन्हे बच्चे के स्वागत की तैयारी में जुट जाती हैं, जबकि कुछ चिंता और तनाव से गुजरती हैं। सोचती हैं पता नहीं डिलीवरी कैसे होगी। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हम पांच बिंदु पर चर्चा करेंगे। नंबर एक, नौवें महीने के लक्षण। नंबर दो, आपके शारीरिक बदलाव। नंबर तीन, आपके शिशु के शारीरिक बदलाव। नंबर चार, आहार। और नंबर पांच, सावधानियां। नंबर एक, इस महीने के लक्षण। इस महीने में क्या क्या लक्षण नजर आते हैं, आइए जानते हैं। मातृशक्ति, स्तनों से रिसाव। जैसे जैसे गर्भ अवस्था अंतिम पड़ाव पर आती है, स्तनों में रिसाव महसूस होने लगता है। स्तनों में पीला द्रव्य बाहर आना शुरू हो जाता है। ये माँ का प्रारंभिक दूध होता है, इसे क्लोस्ट्रोम कहते हैं। नंबर दो, बार बार पेशाब का आना। जैसे ही शिशु का विकास पूरा हो जाता है, माँ की शोणी पर दबाव पड़ने के कारण बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नंबर तीन, ब्रिस्टन हिक्स संकुचन। इस माह बढ़ जाते हैं, हालांकि यह प्रसव पीड़ा जितने तीव्र नहीं होते। हाँ, अगर संकुचन एक घंटे में चार बार से ज्यादा तीव्र और पीड़ादायक हो तो ये लेबर पेन के लक्षण होते हैं और इसके लिए तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नंबर चार, शिशु के नीचे आना। मातृशक्ति, इस माह शिशु जन्म लेने की तैयारी कर रहा होता है। वह श्रोणि भाग की ओर आ जाता है, जिससे आपको सीने में जलन और सांस लेने जैसी समस्याओं में राहत मिल जाती है। नंबर पांच, योनि श्राव में रक्त का आना। इस महीने योनि श्राव में हल्का रक्त आ सकता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु अगर श्राव दुर्गंध युक्त पीला हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नंबर छह, शिशु की गतिविधियों में बदलाव। इस महीने शिशु की गतिविधियों में बदलाव नजर आता है। शिशु का विकास पूरा हो चुका होता है, अब उसे हिलने ढुलने की जगह नहीं मिल पाती, जिससे शिशु की गतिविधियों में बदलाव आ जाता है। नंबर दो, आपके शारीरिक बदलाव। इस माह आप में कई तरह के बदलाव होते हैं। आपका वजन 11 किलो से लेकर 16 किलो तक बढ़ सकता है और यह अलग अलग महिलाओं में अलग अलग या कम ज्यादा हो सकता है। आपकी पीठ पर ज्यादा दबाव आ जाने से आपको तेज दर्द महसूस हो सकता है। इस समय श्रोणि भाग खुलने लगता है, आपका तनाव बढ़ सकता है। इस माह में झुकना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इस महीने में गर्भवती महिलाओं के चेहरे और निप्पल के आसपास बाल महसूस हो सकते हैं। नंबर तीन, शिशु में शारीरिक बदलाव। इस महीने शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है तथा श्रोणि भाग के नीचे आ जाने के कारण अब आपको सांस लेने में राहत मिल जाती है। शिशु का वजन 2.5 किलो तक तथा लंबाई 19 इंच तक बढ़ सकती है। शिशु की त्वचा एकदम गुलाबी और चिकनी हो जाती है। हाथ पैर पूरी तरह बन जाते हैं और उंगलियों पर नाखून भी आ जाते हैं। नंबर चार, आहार। इस महीने खान पान को लेकर बहुत सजग रहने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं क्या क्या खाना चाहिए। नंबर एक, फाइबर और फोलेट युक्त भोजन करें। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज, अंकुरित दालें जैसी चीजों का प्रचुर मात्रा में सेवन करें, जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। नंबर दो, आयरन युक्त भोजन। अपने भोजन में ब्रोकली, पालक, खजूर जैसी चीजों को शामिल करें, इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। नंबर तीन, कैल्शियम युक्त भोजन। इसके लिए दूध या दूध से बनी चीजें, ताजी दही का सेवन उपयुक्त रहता है। नंबर चार, विटामिन सी युक्त भोजन। विटामिन सी के लिए मौसमी, संतरा, नींबू, टमाटर जैसी चीजों को भोजन का हिस्सा बनाएं। इन्हें किसी न किसी रूप में अवश्य इस्तेमाल करें। नंबर पांच, सावधानियां। प्रेगनेंसी के इस महीने में आपको बहुत सजग और सावधान रहने की जरूरत होती है। आपको तनाव मुक्त रहना है, इसके लिए कुछ समय आप स्विमिंग पूल में भी बिता सकती हैं। अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, उसी के हिसाब से व्यायाम करें और जो जो फार्मूले वो तनाव मुक्त रहने के लिए बताते हैं उनको जीवन में अपनाएं। नंबर दो, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। अपने नन्हे मेहमान के बारे में बातें करें, आप और आपका परिवार रोमांचित होगा और तनाव मुक्त रहेगा। नंबर तीन, अपने शिशु के नाम तय कर सकती हैं। नंबर चार, प्रसव के दौरान हॉस्पिटल जाने वाले सामान की तैयारी कर सकते हैं। नंबर पांच, आप अपने लिए वक्त निकालें। अगर आपका डॉक्टर आपको परमिशन दे तो दोस्तों से मिलें, अच्छी फिल्में देखें, म्यूजिक सुने। हाँ, शॉपिंग भी कर सकती हैं।
आने वाले बच्चे की जरूरतों का सामान खरीद सकती है, जैसे पालना, कपड़े, डायपर आदि मिल सकती। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।